नमस्कार मु माधुरी आपण देखुछन्ति हरकस अपडेट प्रथम हेडलाइंस पुणीपुरी आसला लमचाकुरा घटना पिपिली हाजत भितरे थर्ड डिग्री सात दिन धरी निर्धुम पिटिले पांच अभियुक्त को संकटापन्न अवस्था एसीबी स्थानांतर पुरी हाजत मृत्यु मामला बदलिले पुरी एसपी अखिलेश्वर सिंह हेडक्वार्टर को बदले संबलपुर एसपी के विशाल को पुरी एसपी भाव नुआ दायित्व सेपटे वीरमित्रपुर आईएसी निलंबित गजपतिर अबाध गंजे चाष विमानपुर जंगल एकावन एकर जमीन चाष बेले पुलिस चढ़ाऊ एसपी निर्देश क्रमे पुलिस और वन विभाग मिलित चढ़ाऊ दस कोटी अधिक मूल्य गंजे गज नष्ट अनुगुल किशोरनगर तहसीलदार चाषी को उठवास कराइबा घटना न्याय न मिलपुर कोर्ट को द्वारस्थ हेले चाषी अभियोग पर भी मामला रुजु न होपु उठाइले प्रश्न दिल्ली में कोरोना स्थिति असंभा बढ़ुच आक्रांतों संख्या आरंभ है डोर टू डोर सर्वे 57 लाख लोकों तथ्य संग्रह कर स्वास्थ्य विभाग महामारी में महा ठकई एसएचई ग्रुप ना लक्ष लक्ष टा चलु ब्रह्मगिरी में निरीह महिला टंका हरी लुट सभापति और संपादिका ना आसला सांघातिक अभियोग एवं कोरोना योद्धा को ठकीदे राज्य सरकार अपमानित करी कामरु छटे शीत काकर को ना खाते हक पाई राजरास्तार एन आसिया संपूर्ण खबर को आज विधानसभा शीत अधिवेशन द्वितीय दिन हाजत मृत्यु को नहीं सरगरम हो पारे गृह राज्य में बिगुड़ी आईन श्रृंखला परिस्थिति यहाँ नहीं बीजेपी पक्ष मुलतवी प्रस्ताव आगत कांग्रेस भी समान प्रसंगे आलोचना प्रस्ताव इन्हें अधिक आलोचना आम सहित आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति जोड़ी रही दिव्य आज हूँ विधानसभा शीत अधिवेशन द्वितीय दिन रही आज दिन में अर्थात द्वितीय दिन में विरोधी दल मुख्य प्रसंग कौन सब र हाँ देखो माधुरी आपण देखिए आज हूँ विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन द्वितीय दिन एवं जो विधि व्यवस्था रही विधानसभा विधि व्यवस्था अनुजाई आज जेहेतु द्वितीय दिन रही द्वितीय दिन दिन ठीक 10:30 समय आरंभ ही हेबो एवं जेहेतु कोरोना काल रे आपण देखिए मौसमी अधिवेशन कोरोना जो किछटा परिवर्तन कराई कार्यसूची रे तेणु प्रथम जो पर्याय रही प्रश्न काल को बातिल कराई से समय रे बाचस्पति जेहेतु मौसमी अधिवेशन ही गोटे प्रकार कही सारी प्रश्न काल को बातिल कराई से समय रे विधायक माने स्थानीय प्रसंग को न उठाई राज्य एवं देशर हित रे जो सब प्रसंग आसुची से प्रसंग को उठाइबे उत्थापन करिवे एवं विभागीय मंत्री जदि से समय उपस्थित थिबे तार उत्तर रखिबे एवं परवर्ती समय रे शून्य काल न होइ जेतु 4.5 घंटा हेब विधानसभा अधिवेशन दिन को 4.5 घंटा हो तो शून्य काल न सीधा सड़क मुलतवी प्रस्ताव आलोचना करेखिए मुलतवी प्रस्ताव आज बीजेपी पक्ष आगत कर राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति संपूर्ण विपर्यस्त सरकार संपूर्ण नीरव द्रष्टा एभली शीर्षक गोटे कहींपर जो मुलतवी प्रस्ताव आगत कराई आलोचना करे रही गृह विभाग स्वराष्ट्र मंत्री दिव्यशंकर मिश्र से यार उत्तर रखिए जे प्रकृत में कहीं राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति व्यापक भाव में एभली परिस्थित सृष्टि होती देखिए पर दिन जो भाई समस्या उपजिला गोटे दिन में दुई दुईट हाजत मृत्यु सामना को आसला और गत काली राज्य सरकार जे रही पुरी एसपी अखिलेश्वर सिंह ट्रांसफर करपटे पुरी बासिली साहर जो तीन थाना अधिकारी रही निलंबन करपटे वीरमित्रपुर आईएएस जे रही स्मृति प्रभा प्रधान निलंबित करूँ विरोधी गोटे जीत से चाहते डिस्ट्रिक्ट जज जो मैंने रही डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा यार गोटे उच्चस्तरीय तदंत कर प्रकृत में कौन रही घटना कहीं घटना सामना को आसला कहीं पुलिस हेफाजत जड़े विचाराधीन मृत्यु है कहीं पुलिस अकथन अत्याचार कला कहीं पुलिस एभली बर्बरता अमानसिक भाव मारपीट कला एभली प्रसंग नहीं विरोधी आज गृह में तुम्हितपान करेंगे जहाँ चर्चा आलोचना होगी गृह प्रथम ही गोटे प्रकार सरगरम र हट्टगोल कर उभय विरोधी कांग्रेस सेपटे समान प्रसंग में प्रस्ताव देती आलोचना तो उभय विरोधी चाहते आईन श्रृंखला परिस्थिति उपर आलोचना हो तो सरकार दल कि भाव में यहाँ प्रसंग रखुं कि सामना कर समस्त नजर रही शासक दल कि विरोधी को सामना कर समस्त नजर रही अनेपटे आप देखिए
जो पिपिल जो घटना होता पिपिल आप जानते पिपिल आईआईसी जो भाव में बर्बरतार सह अमानस कार्य कर तार वीडियो वायरल होता जहाँ चर्चा आलोचना हो प्रसंग में आज गृह में तुम्हें तोपान हो पिपिल आईआईसी को गोटे प्रकार निलंबन करने आज गृह विरोधी दाबी रखे माधुरी दिव्य तमाम सूचना तबे विधानसभा आज हूँ शीत अधिवेशन द्वितीय दिन एवं कौट ना कौटि हाजियत मृत्यु को नहीं हुए तो सरगरम हो पारे गृह परवर्ती खबर को पुरी रु आउ एक लोमो टांकुरा घटना सामना को आसी पिपिली हाजियत भितरे पुलिस थर्ड डिग्री रे पांच जन अभियुक्त गुरुतर हो पड़ते पुलिस सेमानंकु सात दिन धरी निर्घात पिटी चलता फल नोड़ा बसी जाए मांस पची जाए तेज बासली साही थाना हाजियत मृत्यु घटन सारा राज्य में तुम्भे तोफान होगापर सात दिन पर कोर्ट चलाण करमापड़ा जेल को पठाई दि जाइर से कटक बड़ मेडिका स्थानातर कर तेज एसीबी पक्ष एने कौन स्पष्ट सूचना मिलना एक मामलें छज को गिरफ्तार कर पांच जन अवस्था गुरुतर रही इन अधिक आलोचना आम सहित फोन लाइन जोड़ रही पिपिली प्रतिनिधि दुर्गा माधव परिडा दुर्गा जी आम कह पुरी रु एभली घटना मात्र दुई दिन अंतर में पुणी थर आउ थे सामना को आसला आउ गोटे घटना जे ये हूँ पुलिस थर्ड डिग्री कि वर्तमान समय सामना को आसी तो कौटना कौट पुलिस एभली बर्बरता दिनक दिन बढ़ी चली कौन पाई देखु माधुरी आम कहीपर जेहतु पुरी और वीरभद्रपुर दुई दुईट घटना पर राज्य लोक मनर लिखी ना बेले बर्तमान से परिवार हताश भितर अच्छा जेहतु मृत्यु हो किंतु एबे वर्तमान पिपिल से गोटे सामान से मानने सामान घटना देखा मिली जे कि पूर्व 18 तारीख रो मान को गोटे ब्राउन सुगर केस मानने पुलिस मानक हाजत को थाना हाजत को नहीं किंतु से जो भाया थाना मानने थर्ड डिग्री हो सूचना आम पाखे रही स्पष्ट सूचना जेहतु मिलनी मुझे स्पष्ट भाव कही पारे तथा कितु जी सूचना रही थाना भितर पांच छह दिन धरिकी मानने मानने थर्ड डिग्री कर सूचना मिली जिते कोर्ट प्रडप करने निमापड़ा जेल को सी जेल जेल करतृपक्ष अच्छा जेल रे किसी समय रखी थे जिते क्षेत्र विक्षत देखी थे कि नोला बसा देखी थे स्वास्थ्य देखला फेरे दे कटक एसीबी को नहीं चिकित्सा जहां आम सूचना रही माधुरी आज्ञा दुर्गा माधव ये कहुच्छे गतल जिते अर्थात दुई दिन पूर्व जो घटना थी पूरी गोटे पटे और वीरमित्रपुर सुंदरगढ़ वीरमित्रपुर घटना आसी तुम्भी तोफान है राजरास्ता को समस्त ओह्लैले राजनैतिक तुम्भी तोफान विक्षोभ प्रदर्शन करागला किंतु एत सबुपर पुलिस पुणी थे एभली गोटे घटना सामना को आसवा तो कौटना कौटी ये गोटे पुलिस अमानसिक नुहे कि देखु माधुरी ये तो निहाती भाव में कही पुरी पुलिस प्रशासन ये गोटे बर्बरता बर्तमान बढ़ी चली दिनक दिन पुरी घटना हूँ वीरमित्रपुर घटना हूँ कि आम दु दिन तेज डेलांग सर्वसम्मुख जो एएसआई डेलांग थाना जो एएसआई सर्वसम्मुख जे अभियुक्त को जो गाँव लोक बांधि रखते सर्वसम्मुख माड़ मार हो कि आज घटना कथा देखो ये जो पिपिल पुलिस जो भाई भाव सात जन को कोर्ट मानने जो आनी आक्यूज भाभी जो ब्राउन सुगर केस जो भाई माड़ मार जहाँ आम निमापड़ा जेल करतृपक्ष अच्छा फेरे घटना को संपूर्ण भाव में देखा पूरी पुलिस रो मात्राधिक कार्यानुषान हो मैंने सर्वसाधारण निंदा करतीत जो मैंने अच्छा आम बुद्धिजीवी अच्छा कि राजनेता मैंने अच्छा कि साधारण लोक भी हूँ समस्त यहाँ दृढ़ निंदा करी आज्ञा गोटे पटे हाजियत मृत्यु घटना को दृढ़ निंदा करा अंपटे पुणी थे सामना को आसी पिपिली हाजियत भितर पुलिस किभली थर्ड डिग्री थी पांच जन अभियुक्त को किभली निर्घात पिटी चली पुलिस से ही सामान कथा सामना को आसला कितु जानकु चाहिए दुर्गा माधव एठार जो पुलिस प्रशासन पक्षर से कौन से सरकारी भाव में प्रतिक्रिया मिल पारी कि पुलिस प्रशासन पक्षर एभली कौन पर घटना घटना को पुणी थर आसला देखु माधुरी आम मानने मतामत देखा चाहूँ पिपिली पुलिस कौन स्पष्ट सूचना मिल ना जहाँ सूचना आम हस्तगत होती कि बर्तमान से जो मात्राधिक कार्यानुषान जो से स्वास्थ्यवस्था संकटपन्न रही आउ गोटे कथा कहीपर आम जेहतु पूरी जिले में जो घटना घटी हाजत मृत्यु हौ कि डेलांग आईएसआई जो कार्यानुषान हौ ताकू बर्तमान साधारण दृढ़ निंदा करा जो भाव जो एएसआई आउ किसी कनेस्टेबल को
जो निलंबन कर कार्यानुषान नि प्रशासन तरफ ये मानने सफा लोक मत रोज जदि से उदाहरण स्वरूप मानने किसी गोटे गोटे बड़ पदक्षेप निता गोटे बड़ कार्यानुषान निता हे तो पुलिस चेती पारंता आज्ञा निहाति आम ये कहीपरिया कि कौटना कौटी केवल जे निलंबित एवं बदली ता तो गुरुत्वपूर्ण नुहे एठार कथ आसूँ जे आईनगत कार्यानुषान अर्थात दृढ़ कार्यानुषान से केबे नियाजिबो कहीं दुई दुईट घटना पर पुणी थे घटना आसला पिपिलीरु दृढ़ कार्यानुषान प्रति केबे नियाजिबो ना पुलिस बाबू बोली सबकि माफ कर दिजिव देखु माधुरी जेहेतु आम आईन रे रही शहे हजार दोषी पचे खसी जातु कि जे निर्दोष दंड न पाऊ जी आम कही पार मुख्य कथा जो भाया पुलिस जो भाया कार्यानुषान नौचे कितु से भाया कार्यानुषान चौबीस घंटे चौबीस घंटा भितर आक्यूज मानक कोर्ट फल नियम रही जहां सूचना आम पाखे रही पिपिली थाना चौबीस घंटार दीर्घ ऊर्ध समय धरिकी रखा जाए जहां कि सूचना रही आमको छोटे ऊर्ध समय रही पूर्व जो गणमाध्यम मान प्रकाशित होती प्रिंट मीडिया जहां आम पर सूचना रही किंतु एत दिन थाना रखार उद्देश्य कौन थे विभिन्न वर्तमान इलेक्ट्रोनिक्स युग है टेक्नोलोजी युग है विभिन्न टेक्नोलोजी यूज करें आक्यूज मानू कथ आदाय कर किंतु जो भाई भाव मान आक्यूज मानक जो भाया मानने टर्चर कर थर्ड ग्रेड कराधारण निंदनीय माधुरी आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा माधव परिडा ये थे पिपिली प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी रही थे बहुत बहुत धन्यवाद किंतु ये घटना समस्त को चकित करुच्ची कहीं निंदनीय घटना दुई दिन पूर्व पुरी और वीरमित्रपुर आसापर पुणि थे पुरी आम कहीपर पुरी पिपिली पुलिस ये हूँ हाजत भितर कि पुलिस थर्ड डिग्री करी पुलिस थर्ड डिग्री कथा सामनाक आसी कौटना कौटी ये हूँ आईन श्रृंखला किभली रही आईन श्रृंखला विपर्यस्त हो पड़ी आम कहीपर बदलिले पुरी एसपी अखिलेश्वर सिंह संबलपुर एसपी थिवा के विशाल सिंह को पुरी एसपी भाव नुआ दायित्व दि जाता बेले अखिलेश्वर को पुलिस मुख्यालय को बदली करा जाए पुरी हाजत मृत्यु मामला को नहीं पुलिस भूमिका उपर प्रश्न उठा बेले जिलार एसपी अखिलेश्वर को बदली करा जाए सेपटे बासली थाना एसआई विप्लव कुमार प्रधान को निलंबन थानार दुई कन्स्टेबल जगन्नाथ स्वाई और बाबुली बेहरा को निलंबित कर सेपटे वीरमित्रपुर आईआई सिंह को सस्पेंड कले डीजीपी श्री अभय क्षमतार अपव्यवहार करे सस्पेंड कर अभय ट्विट जगे सूचना देखते सूचना योग्य राउरकेलें युव व्यवसायी प्रदीप कुंडू को वीरमित्रपुर विजय पाहल क्रसर अपहरण मामलें मुख्य अभियुक्त था सारिक कलीम सारिक को थाना रखी करा एवं मेडिकल ने पूर्व मृत्यु होता पुलिस सत्याचार मृत्यु होता पर लोके अभोग आनी अनुगुल जिला किशोरनगर ब्लॉक कॉलेज छक तहसीलदार चाषी को बस ठोकर घटना संपुक्त तहसीलदार डाक्टर लक्ष्मी प्रसाद साहू का विरोध में अभियोग एजाए पंजीकृत होनी न्याय न मिलबारु आठमल्लिक एसडीजेएम कोर्ट को द्वारस्थ होती चाषी मुकुणी घटनार तदंत जिलापाल आठमल्लिक उपजिलापाल निर्देश देते मात्र दीर्घ दिन पर भी रिपोर्ट दाखल होनी काटा बिलर धान काटना सर फेर बेले आम कॉलेज छक तहसीलदार आम थाना स्टाफ सर थिले सेठ सर धान काटना फेरला बेले से कहले गाड़ी सर हाथ मारे गाड़ी टे रख सर आम से रखिली रखला बेले आम दिज जा सर सुशांत रणा को मगुणी साहु दिज सर आम जा गला बेले से मत अटकेले अटकेले गाड़ी चाबीटा सर मुझे घिची नहीं गले मुझे चाबीटा जो घिची नहीं गले कौन करी नि सारे गले बोले फाइन कले पांच पांच हजार टाँह फाइन कले सुशांत राणा को पाँच टाँचा आ मगुणी साहू को पाँच टाँह सर आम तो बिलरू फेरुचे पांच टाँह लखा कौटू सर आम देव पांच टाँह दे नहीं पार बसुट हुआ दिजन जाक दस्त लखा बसुट हुआ कहले मत कला रास्ता उपर सर मुझे बसुट है कहीं सर मुझे बसुट हे कौन अपराध कली बसुट हेबी कौन अपराध कली आप कहतु न्याय ना सर मुझे आत्महत्या करी न्याय जदि नाला सर मैं आत्महत्या करी ही मुझे मुंड टेक चल समाज भी कौज समाज कौज तु बर्तमान कौन भूल कर दंड पाइल समाज कौज मत
गछपतिर अबाध गंजेई चाष खबर पाई पुलिस और वन विभाग एठारे चढ़ाउ कर लक्षाधिक टंकार गंजेई चाष नष्ट करिछे। गछपति एसपी तपन कुमार पटनायकों निर्देश क्रमे आर उदयगिरी पुलिस और जिला अबकारी विभाग मिलित उद्यम किरामा पंचायतर विमानपुर ग्राम जंगल में चढ़ाउ करते जंगलर 51 एकर जमीन में गंजेई चाष कर जार आनुमानिक मूल्य 10 कोटी अधिक तबे यही सब गछ को स्वतंत्र टीम नष्ट कर सूचना मिली। सेपटे कोरापुट नंदपुर में गंजेई गछ नष्ट नंदपुर जलापुट तोपगंटा गाँव में प्राय 5 एकर जमीन में गंजेई चाष कर तेज एसडीपीओ निर्देश क्रमे यह नष्ट भारत समय हर दुर्घटनाग्रस्त है। आंबुलांस अनुगुल जिला आठमल्लिक दुधिया नाली 108 आंबुलांस आज भोर समय दुर्घटनाग्रस्त हो आंबुलांस अनुगुल डाक्तरखाना रोगी छाड़ फेरुवा बेले दुर्घटनाग्रस्त हो गुरुतर अवस्था आंबुलांस चालकों उद्धार कर आठमल्लिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर राज्य में 14,000 ऊर्ध सरकारी स्कूल बंद को तेजला विरोध विभिन्न जिले में छात्र छात्री अभिभावक और शिक्षक संघ विरोध करुछन्ते। सरकार को ही निष्पत्ति विरोध में सर्वदलीय बैठक डाकि आलोचना करिछि अभिभावक महासंघ निष्पत्ति उपरे सरकार को सह पुनर्बार आलोचना करा जिवो बोली शासक दल कहितवा बळे याकु तुरंत प्रतिहार करा जाय बोली कहिछि बीजेपी। अन्यपटे यह निष्पत्ति जोगु राज्य में शिक्षित बेकारी संख्या वृद्धि पाइबो बोली शिक्षक संघ कहिछि। घनेलाणी स्कूल बंद मामला 14,000 सरकारी स्कूल बंद को जोरदार विरोध सर्वदलीय बैठक डाकि अभिभावक महासंघ कला आलोचना 14,000 सरकारी स्कूल बंद को नहीं अभिभावक महासंघ डाकिला सर्वदलीय बैठक राज्यर विभिन्न जिले में छात्र छात्री अभिभावक विभिन्न शिक्षक संघ पक्षर कर जोरदार विरोध प्रदर्शन ए दृश्य हेउछि केन्द्रापड़ार जोंठी कुनी कुनी पिला जिलापा कार्यालय सम्मुखे बस स्कूल बंद को विरोध अंडा चाउल नियो आम को आम विद्यालय फेरे दियो बोली कही गुहारी लगाउछन्ति छात्र छात्री। अन्यपटे ए हेउछि अनुगुल जिलार दृश्य जोंठी स्कूल सम्मुखे छिड़ा हुई बंद को विरोध करुछन्ति छात्र छात्री और अभिभावक यह केवल दुईटी जिला नुहे बरम राज्यर विभिन्न जिले में स्कूल बंद को जोरदार विरोध कराउथा बेले यहाँ को नहीं अभिभावक महासंघ विरोध करी सर्वदलीय बैठक करिथिला। सरकारी स्कूल गुड़िक निकटरे थिबा बेआईन बेसरकारी विद्यालय गुड़िक बंद करने परिवर्ते सरकारी विद्यालय को बंद करने को नहीं निष्पत्ति ग्रहणजोग्य नुहे बोली कहिछि संघ। घरोई स्कूल प्रीति जोगु सरकारी स्कूल बंद करने योजना करिछन्ति राज्य सरकार एहाद्वारा गरीब मध्यवित परिवार अधिक असुविधार सम्मुखीन हेबे बोली संघ कहिछि। राज्य सरकार तुरंत आलोचना करी एहाकु प्रत्याहार करिबा सह पुनर्विचार करू बोली कहिछि संघ। पिला तले 42 जन हम मेन सार जे जाई कोनी 25 जन रिपोर्ट जेनी से नगे हम स्कूल बंद करा जाउ छी। जिलापाल को कोन कहया को आशा छी कहयो आशा छी तो घंटा नियंत चाल नियंत हम स्कूल हम फेरे जंतु हम से 2 किलो 3 किलो मात्र दूर जाई परबुनी। आज आस्तु सके हम स्कूल बंद करा जाई छी आज आस्तु अंडा चाउल नि हम स्कूल फेरे दियो आउ को जदि हबा पाठ हम पढ़ी परबुना टिकरी छुआ हम साइकिल चले जाई परबुना। अगस्त मास रे अनुरोध करथु डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट को चिट्ठी करथला जे जत्ते इलीगल प्राइवेट स्कूल अछि ओडिसा तक बंद करो जदि इलीगल प्राइवेट स्कूल बंद हे जथा तार सरकार स्कूल चल था से सरकार स्कूल पाखरे गो इलीगल प्राइवेट स्कूल अछि चिट्ठी अछि आपन मु देखै छी। द्वितीय कथा होछि सिमिलर गो चिट्ठी डिपार्टमेंट कला ठीक सेप्टेम्बर मास रे जे नुवा प्राइवेट स्कूल जदि खोलिया को छि तार परमिशन दउ डिपार्टमेंट कोठी ना कोठी घरेकरण आड़ को आगे सेपटे स्कूल बंद को नहीं अभिभावक महासंघ बैठक में सामिल होते विभिन्न राजनैतिक दल सामाजिक संगठन ओडिशा नागरिक समाज आम जनता अधिकार आरटीआई फोरम माध्यमिक शिक्षक संघ प्राथमिक शिक्षा संघर नेतृत्व अन्यपटे यहाँ प्रतिक्रिया रखी बीजेडी विधायक देवी प्रसाद मिश्र कहिले एही प्रसंग को राजनैतिक रंगर दे आलोचना करिबार आवश्यकता रही।
बंद करिबा निष्पत्ति उपरे विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री आलोचना करने बीजेडी प्रस्ताव देव बोली से कहते सेपरी राज्य सरकार एहाकु तुरंत पुनर्विचार करि निष्पत्ति को प्रत्याहार करंतु बोली बीजेपी रो साधारण संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन कहिछन्ति। निष्पत्ति प्रत्याहार करानगले समग्र राज्य रे बीजेपी पक्षरु आंदोलन करा जीव बोली से कहिछन्ति। सरकारक एही निष्पत्ति जोगु अनेक शिक्षित बेकारीक संख्या वृद्धि पाइबो बोली कहिछि शिक्षक संघ। जे एकु राजनीतिक रंगन देइगिरि आमे ताकु किभली भाव में जो आशंका उपजुची तार किभली प्रशमित हम एवं आम ठिकना भाव में तार भित्ति को नहींक्र वस्तुस्थित की नहींक्र कौन कर सरकार कौन करसोर्सेस को लेकर आम आईन को लेकर आम कार्यकारिता को करने कि सरकार ए विषय पूरा सचेतन अच्छा एवं ये जो कनसोलीडेसन जो रेडरसल फोरम गुड़िकाई ताकू नहीं करी मध्य ताकू मॉडिफाइड वे रे केमिति करा जे परबो जो इम्प्लीमेंटेशन टा सेति पई सरकार भी ची माने चिंता करछन्त। सरकार गोटे खामखियाली भाव रे गोटे खियाली मनोभाव नै के बलि एक अभावनीय निष्पत्ति नै छन्त। तेणु करी आमे भारतीय जनता पार्टी तरफ आज सकाळे स्पष्ट भाव रे जणैथुल जे सरकार ए निष्पत्ति रो परिवर्तन करंतु एभलिया एक अभावनीय निष्पत्ति भूल निष्पत्ति को सरकार विथड्र करंतु तो भारतीय जनता पार्टी निष्पत्ति नहीं एक लॉजिकल कंक्लूजन पर्यंत लड़ाई ए दिगरे निजर लड़ाई जारी रखी। जो निष्पत्ति राज्य सरकार नहीं निष्पत्ति एकतरफा निष्पत्ति निष्पत्ति गोटे जनविरोधी निष्पत्ति जहाँ आम मूल लक्ष्य थी आम समय संविधान अंगीकार करते समस्त पाखे शिक्षा पहुँचवा 2009 मसीह राइट टू एजुकेशन कथा सुदूरपराहत हो। द्वितीय जो 30,000 पोस्ट जो उठीगला उच्छेद है से आम बेकार सिटी बीड पे जो मैंने टीचर हो पारिथे पथरोध कले तेज स्कूल बंद निष्पत्ति सरकार आलोचना करेंगे ना निज जिदी में अटल रे देखा बाकी रहा। केन्द्रापड़ संतोष जेना अनुगुल जिला छेंडीपदर भागीरथी साहू भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रशांत इमरान खान का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। दुर्लभ नागार्जुन वेष नहीं आज बसव गुरुत्वपूर्ण बैठक नीलाद्री भक्त नवास अपराह 12 अनुष्ठित बैठक बैठक में परिचालना कमिटर सदस्य छतीशा निजोग महानायक पूजा पंडा महाजन खुंटिया मेकअप गराबड़ सुआरबड़ मुदुली निजोग बैठक में उपस्थित रहे। छड़ा नागार्जुन बेष प्रदानकारी चक्रकोट बलराम खुंटिया बैठक में सामिल हे। नागार्जुन बेषर अग्रगति और संपादन विशेषकर आलोचना हो। इन्हें अधिक आलोचना आम सहित जोड़े रही पूरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष। आलोक जाना को चाहबू जेहेतु आज दुर्लभ नागार्जुन बेष नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक बसव बैठक बसव निर्धारित समय कौन रही सहित यह बैठक में क्यों क्यों मैंने उपस्थित हे आस जाना चाहबू विशेषकर नागार्जुन बेषर क्यों क्यों दिग प्रति आलोचना आलोक निश्चित भाव माधुरी आप जानते नवेम्बर 27 अर्थात आसंता 27 तारीख में महाप्रभु दुर्लभ नागार्जुन बेष नीति अनुष्ठित हो नीति सब कमिटी बैठक में नीतिकांति सबकि चूड़ांत हो जाए तेज आज निश्चित भाव में नागार्जुन बेषर अग्रगति और बेष संपादना अर्थात नीतिकांति को नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक स्थानीय भक्त नवासटे अपराह 12 बस बैठक में परिचालना कमिटर समस्त सदस्य मैंने हूँ कि गराबड़ निजोग कहींपर मुदुली निजोग प्रतिहार निजोग सुआरबड़ निजोग पुष्पाक निजोग मेकअप निजोग खुंटिया निजोग सहित छतीसा निजोग महानायक बैठक में उपस्थित रहे तेज आप जानते आज जेहेतु 5 दिन पर महाप्रभु दुर्लभ नागार्जुन बेष नीति अनुष्ठित हो से श्रीमंदिर अंचल के क्यों अंचल सब 144 धारा लागू कारण आप जानते जहाँ परिचालना कमिटी बैठक में निष्पत्ति होता नागार्जुन बेष शेष होगा पर्यटन अर्थात कार्तिक मस पर भक्त मानी श्रीमंदिर खोल जाए पारे कि नागार्जुन बेष जेहेतु रोचे लक्षाधिक भक्त भिड़ को दृष्टि रखिक प्रशासन कटकणा जारी करी एवं कौन भक्त को श्रीमंदिर पाखापाखी अंचल को छड़ा जीवन नहीं तो सिक्यूरीटी किभली भाव रही है तार उपर गोटे मुख्य प्रसंग उपर आज आलोचना हो सब बड़ कथ हूँ नागार्जुन बेषर नीतिकांति यार अग्रगति जेहेतु चक्रकोट बलराम खुटिया निजे उपस्थित रहिबे जे नागार्जुन बेषर प्रदानकारी सी आज बैठक उपस्थित रहिबे एवं बैठक में नागार्जुन बेष केतेदूर अग्रगति होती जो महाप्रभु दुर्लभ नागा बेषर सज्जित हे जो छुरी हांडिया कटारी ये सब निर्माण करण पद्धति केते बाटर पहुंची ए तमाम दिग उपर आलोचना करा जीवा निश्चित भाव में बैठक टी आज अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। माधुरी
ଆଜ୍ଞା ଆଲୋକ, ତା ସହିତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପୁରୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ଆଜିର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ମରଚିକଟ ଛକଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବରୋଧ ରହିବ ଏବଂ 144 ଧାରା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବୈଠକରେ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଜିର ବୈଠକରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତିତ ପୂର୍ବରୁ ନୀତି ସବକମିଟି ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବେଶର ଅଗ୍ରଗତି, ବେଶର ସମ୍ପାଦନ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ, ଚକ୍ରକୋଟ ବଳରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତ ବେଶ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସେବାୟତ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା, ଅପରାହ୍ନ 12 ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତନିବାସଠାରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ଅଗ୍ରଗତି, ବେଶ ସମ୍ପାଦନ ନେଇକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମାଧୁରୀ, ଆଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି। ତେବେ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ, ଅପରାହ୍ନ 12 ବସିବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।